सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। इसमें आप जो है यहाँ पर इससे पहले 5 फिल्में ऑलरेडी प्रेमराज जी के प्रोडक्शन की कर चुका हूँ, तो मैं तो मुझे लगता है कि मैं सारी फिल्मों में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए प्रेम जी का प्रोडक्शन जस्ट लाइक अ होम प्रोडक्शन है। मैं इनकी पहली फिल्म जाने मन में था, इनके हुकूमत में था, आशिक आवारा में था और सैया सुपरस्टार में था, इन लगभग सारी फिल्मों में मैं था, तो मुझे लगता है कि इन सारी फिल्मों में मैं रहूँगा। मेरे बड़े से संबंध उनसे, तो मेरे लिए घर के फंक्शन जैसी ही बात है। समझते नहीं चीज़ों को, वो इस तरीके से वो गलत तो प्रमोट करते हैं। हिंदुत्व एक विचारधारा है, जीवन शैली है, वो उसको जात धर्म या उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है इस शैली को, इस विचारधारा को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना हमें गंगा घाट पर विदेशी नज़र नहीं आते, हमें मथुरा में विदेशी नज़र नहीं आते। अगर वो लोग यहाँ आके हमारी विचारधारा, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि वो हिंदू हो गए, वो हमारी विचारधारा को, हमारी शैली को अपना रहे हैं, जो हिंदुत्व से परती है, जो हिंदुत्व की एक शैली है। मुझे लगता है मैंने जो सुना है ऑनलाइन वो मैं रिवील तो नहीं कर सकता, मगर भोजपुरी में शायद पहली बार एक बड़े रियलिस्टिक पैटर्न पे फिल्म बन रही है। कमर्शियल सिनेमा नहीं कि हीरो उड़ के और आसमान में जाके और 50 लोगों को मारता है, बहुत रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म है जो मेरा ख्याल है दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो एक फिल्म इंडस्ट्री का अब बनता जा रहा है, मुंबई के बाद अगर देखें। हाँ, मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि इससे सभी कलाकारों को फायदा होगा, खासकर जो यूपी बेस्ड है। सरकार की तरफ से जो ही चलाया गया, इसमें सहयोग किया जा रहा है, उसमें से सबको फायदा है। मैं यूपी का हूँ इसलिए मुझे भी बहुत बेनिफिट है। जैसे मैं मुंबई में भी अच्छा काम कर रहा था, और जो लोग यूपी के जो कलाकार हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए वो शुरू से सपोर्टिव रहे और हमारे लिए गर्व की बात है। रवि जी सांसद हैं, मनोज जी सांसद हैं, ये दो हमारे जो भोजपुरी के प्रतिनिधि हैं, जो हमसे हटकर बाकी जनता का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें खुशी होती है कि हमारे बीच के लोग हैं, हमने इनके साथ फिल्में की। बहुत अच्छा, मुझे लगता है भोजपुरी में सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, इतना मेहनती एक्टर, और सेट पे आ गए तो वैंडी वैन में नहीं जाते वो, मतलब कई बार तो कपड़े भी सेट पे चेंज कर लेते हैं, बराबर शर्ट उतारी पहन लिए, मतलब काम में डूब जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल है और बहुत मेहनती एक्टर है। सर काजल जी और देखिए, मुझे लगता है ये बहुत व्यक्तिगत मामला है उनका, इससे उन्हें बड़े व्यक्तिगत लेवल पर ही सुलझाना चाहिए था। जो सोशली सोशल साइड पे आ गया है, जो दुखद है, घर की बात बाहर जाए तो हमें बुरा लगता है, किसी के भी घर की बात हो, और भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा परिवार है, हमारा घर है। मुझे लगता है खेसारी जी भी समझदार है, काजल जी भी समझदार है, अगर कोई मनमुटाव या कोई मतभेद है तो उन्हें आपस में मिलकर उसे सुलझाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छे से चिंटू जितनी जल्दी आए थे, चिंटू पहली फिल्म जो की थी उसमें मेरे बेटे का रोल किए थे दीवाना में, जितनी जल्दी उन्होंने सिनेमा को पकड़ा है, हालांकि सिनेमा उन्हें विरासत में मिला है, उनके खून में सिनेमा, उनके पिताजी इतने बड़े डायरेक्टर, तो मुझे लगता है चिंटू के अंदर बहुत जल्दी प्रोफेशनलिज्म मैच्योरिटी आई है, जो पर्दे पर उनकी फिल्म दर फिल्म नजर आती है। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।